हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू रॉयल आईएएस एकेडमी। रॉयल आईएएस एकेडमी के इस नए अंक में मैं डॉक्टर विजय प्रताप शाही और मेरे साथ हैं मयंक सर जो है जीएस के प्रोफेसर हैं। तो हम यहां पर शुरू करते हैं। आज जो पेपर है आप सभी के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज जो है यूपीएससी का प्रीलिम एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया गया है। तो उसी में हम आज एनालिसिस करने जा रहे हैं यूपीएससी के फर्स्ट जीएस के पेपर में, प्रीलिम्स का जो जीएस का पेपर हुआ है उसकी हम एनालिसिस करेंगे, मैं और मेरे साथ है मयंक सर। तो हम शुरू करते हैं पेपर की एनालिसिस, देखते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो यूपीएससी के जीएस के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन है, वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज, ऑप्शन चार रखे गए थे, इट इज डाइपोलर इन नेचर, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, इट इज एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जो फर्स्ट आंसर है जो मेरे हिसाब से दिख रहा है सर वो है इट इज डाइपोलर इन नेचर। इसको आप क्या कहेंगे सर? आप सही कह रहे हैं, इट इज डाइपोलर इन नेचर बिकॉज वाटर का करेक्टर होता है वो बाइपोल बनाता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन निगेटिव, जिसके कारण ये ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। दैट्स वाई सबसे ज्यादा ये चीजों को अपने आप में डिजोल्व करता है। बिल्कुल आपने सही आंसर कहा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, With reference to the street lighting, how do sodium lamps differ from LED lamps? Sodium first option दिया गया है, इसमें पूछा गया है, sodium lamps produce light in 360 degree, but it is not so in the case of LED lamps. Second पूछा गया है, as street lights, sodium lamps have longer life span than LED lamps. The third है, the spectrum of visible light from sodium lamp is almost monochromatic, while LED lamps offer significant color advantage in street lighting. इसमें से जो आंसर है, three only, two only, one and three only, and one, two, three only. मेरे हिसाब से इसमें अगर आंसर देखा जाता है तो one and three is the correct answer. C answer इसका होना चाहिए सर, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। इस क्वेश्चन को आप odd one out से कर सकते थे, जो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनको ये ट्रिक सिखाया जाता है कि कुछ क्वेश्चन को आप odd one out से कर सकते हैं। जैसे देखिए सेकेंड कह रहा है ऑप्शन कि एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप्स हैव लॉन्गर लाइफ, यहीं पे ये चीज गलत हो जाता है। एलईडी का ये खासियत है कि उसके पास लॉन्गर लाइफ होती है। अब अगर आप ऑप्शन की बात करें तो बी और डी बाहर हो जाता है आपका, जहां ऑप्शन टू लिखा हुआ है। फिर बचता है कि सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री। जी हाँ, सोडियम लैंप की ये खासियत है और दैट्स वाई आज भी स्ट्रीट लैंप में ये प्रीफर किया जाता है। तो सी ऑप्शन सबने जो कहा है बिल्कुल सही। ये था सी आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है जो हमारे बीच हमने पैंडेमिक झेला इतने दिनों से, ये क्वेश्चन उस पर पूछ लिया गया है। द टर्म ए सी ई टू इज टॉक अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीन्स इंट्रोड्यूस इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, रेडियो कॉलर ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज। ये कोरोना से रिलेटेड था जिसमें पूछा गया एंजाइम जो है एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम टू की बात की गई थी। तो मेरे हिसाब से ये डी आंसर जो है ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है, ये स्प्रेड करने से रिलेटेड है। तो ये बिल्कुल सही कर रहे हैं सर आप। ये काफी न्यूज में रहा है, लगभग हर दिन पेपर के आर्टिकल में कवर हुआ है। ए सी ई टू कोई नया टॉपिक नहीं है, जो भी न्यूज पेपर के डेली रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे उनने काफी बार देखा होगा इसे। जी बिल्कुल। और आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर, इसमें है बाइस्फेनॉल ए बीपीए अ कॉज ऑफ कंसर्न इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक। ये बात कर रहा है लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीथाइलीन, टेराफाइलेट एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर जो आंसर इसका सही होना चाहिए मेरे हिसाब से वो है बी, पॉलीकार्बोनेट। क्या कहते हैं सर? जी वेस्फेनॉल ए बीपीए ये भी न्यूज में रहा है, ये पॉलीकार्बोनेट के कारण जो है। और इसे भी जिनको थोड़ा सा नॉलेज होगा ये केमिकल कंपाउंड्स का वो कर सकते थे। जैसे कि आप देखें फर्स्ट ऑप्शन है लो डेंसिटी, जहां लो डेंसिटी की बात करिए तो वो हार्मफुल तो हो ही नहीं सकता है। सी ऑप्शन की बात करें, ये सी ऑप्शन बहुत ही फेमस है, पॉलीथिलीन। पॉलीथिलीन भी इतना हार्मफुल नहीं है जितना पॉलीकार्बोनेट होता है। और डी ऑप्शन जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के नाम से जाना जाता है, पीवीसी आप सबने पढ़ा होगा। बी ऑप्शन आसानी से क्लिक किया जा सकता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइक्लोजन कंसीडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ जो बात की जाए ट्राइक्लोजन,
आप देखा होगा इसमें टूथपेस्ट और कई जगह इसका यूज किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं फूड प्रिजर्वेटिव, फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंस एंड रीयूज प्लास्टिक कंटेनर एंड टॉयलेटरीज। सर क्या डी आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से? फैक्चुअल क्वेश्चन है सर, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन अ लाइट ईयर। ऑप्शन है डिस्टेंस अमंग सेटलर बॉडीज नॉट चेंज, ग्रेविटी ऑफ सेटलर बॉडीज डज नॉट चेंज, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, ट्रू स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। ये फोर आंसर है, क्या कहते हैं सर? जी हाँ, यही रीजन है, लाइट का स्पीड कॉन्स्टेंट होता है, दैट्स वाई वी यूज इट एज लाइट ईयर, जो कि डिस्टेंस मेजर करता है। कई बार नाम से लगता है कि ये टाइम का होगा, बट लाइट ईयर एक्चुअली डिस्टेंस मेजर करता है। यस सर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेवन क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। फर्स्ट बात करता है एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरीन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। सेकेंड बात करता है इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो ऑप्शंस अगर हम देखते हैं तो इसमें सी ऑप्शन काफी करेक्ट नजर आता है, जिसमें बोथ वन एंड टू की बात करता है। सर क्या कहते हैं? जी क्वेश्चन कुछ बहुत ज्यादा ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने, यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट ने वहां की गवर्नमेंट को, आज भी वहां पे मोनार्क चलता है, क्वीन और किंग चलते हैं। हाल ही में वहां पे किंग का निधन हुआ था, और दैट्स वाई मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो वहां सुप्रीम कोर्ट टाइप की कोई चीज ऐसी नहीं है, पार्लियामेंट सोवरेन है। सेकेंड थिंग जो है कि अमेंडमेंट पार्लियामेंट का रिफर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, हाँ जी, पांच जज से कम वो नहीं सुनते और उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपको मालूम भी है कि ब्रिटिश का जो है मोस्ट कॉन्टेक्स्ट में जो जहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्बल है, इसीलिए वहां पर डेफिनेटली पार्लियामेंट ही सुप्रीम होगी, वहाँ वीक हो जाती है। राइट सर, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम भी उसी से लिया हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी सजेस्टेड दैट अ मिनिस्टर एंड अ सेक्रेटरी टू बी डेजिग्नेटेड सोलोली फॉर परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट। सेकेंड ऑप्शन कहता है इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वॉज कॉन्स्टिट्यूट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी 1966 एंड दिस वॉज प्लेस अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वन ओनली टू ओनली, इसमें सी ऑप्शन जो है दोनों ही क्लोज है काफी, तो दोनों ही करेक्ट माने जा सकते हैं, क्या कहते हैं सर? जी फर्स्ट जो ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी एंगर का, एक्चुअली आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी पढ़ा होगा तो याद होगा ये उसके मेंबर थे, और ये एंगर साहब थे जिनकी देन थी आर्टिकल 370 जिसे हाल ही में गवर्नमेंट ने पिछले कुछ साल पहले हटाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये उससे रिलेटेड था। और ये सेकंड ऑप्शन भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात की गई थी, उन्होंने कहा था कि अलग से मिनिस्ट्री बना दो, डिपार्टमेंट बना दो, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड भी सही है, एआरसी का जो रिपोर्ट आया था फर्स्ट ऑफ ऑल 1966 में, उसमें डीओपीटी की बात की गई थी, और आपको शायद न याद हो या नहीं मालूम हो डीओपीटी आज भी पीएमओ के साथ काम करती है, उसके अंदर काम करती है, तो दोनों ऑप्शन सही है। बिल्कुल, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नाइन क्वेश्चन कहता है राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल से इसका आंसर आर्टिकल 21 होना चाहिए। जी बिल्कुल, चलता फिरता क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कोई यूपीएससी एस्पिरेंट गलत कर ही नहीं सकता जो रियल में यूपीएससी की तैयारी करता है। बिल्कुल, कैसे कहते हैं कि जो सही क्वेश्चन मतलब जो इजी क्वेश्चन उसे कभी रॉन्ग नहीं करते, नहीं कर सकते इससे बाहर। जी बिल्कुल, आर्टिकल 21 कोई नहीं छोड़ सकता। जी अब बात करते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है In India, there is no law restricting the candidate from contesting in one Lok Sabha election from three constituencies. Second कहता है, in 1991, Lok Sabha elections, Sridevi Lal contested from three Lok Sabha constituencies. Third कहता है, as per the existing rule, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-election to the constituencies vacated by him or her in the event of him or her winning in all the constituencies.
इसमें मेरे ख्याल से फर्स्ट जो है वो काफी क्लोज है सर, सेकंड जो है, थर्ड जो है वो थोड़ा नहीं हो सकता, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है, और ये सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड है। याद कीजिए उन्होंने बनारस से भी चुनाव लड़ा था और अपने गुजरात स्टेट से भी लड़ा था, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि जब उन्होंने गुजरात स्टेट का जो जहाँ से चुनाव लड़ा वो खाली किया तो बीजेपी ने वहां पैसे दिए कि हाँ जी अब हम चुनाव के पैसे दे रहे हैं। पार्टी पैसे नहीं देती है अगर कोई दोनों सीट जीत जाता है। रही बात सेकेंड ऑप्शन की, 1991 का चुनाव देवीलाल हार गए थे, इसके बाद उनका पॉलिटिकल कैरियर एक तरीके से फिनिश हो गया था, ये उनका लास्ट था जब वो डिप्टी पीएम थे। और रही बात लोकसभा इलेक्शन में एक से ज्यादा, यानी एक्चुअली दो जगह से तो हर कोई खड़ा हो जाता है, तीन जगह से खड़े होने की बात कहीं मेंशन नहीं है, दो जगह से इलेक्शन लड़ने की बात। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, आप सबको पता होगा 1951 का, उसका सेक्शन 33 ये कहता है कि एक पर्सन दो जगह से चुनाव लड़ सकता है। तो इसका ऑप्शन आपने बिल्कुल सही कहा है, केवल वन सही है, कोई प्रोविजन नहीं है ऐसा कि किसी को तीन जगह से लड़ने से रोका जाएगा या क्या लिखा हुआ है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत है। दो जगह से जीत जाने के बावजूद अगर जीतने के बाद उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। हाँ, छोड़नी पड़ेगी, लेकिन उसका पार्टी कोई बियर नहीं करता है। जी बिल्कुल, चलिए हम नेक्स्ट 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन जो है वो कहता है द वेजिटेशन ऑफ सनाह कंसिस्ट ऑफ ग्रास लैंड, सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रास लैंड विद scattered small trees but extensive area have no trees. The forest development in such area is generally kept in check by one or more or a combination of some condition. Which of the following are such condition? अब यहाँ options दिए गए हैं, burrowing animal termites, fire, grazing herbivores, four seasonal rainfires, soil perspective. इसमें कह रहा है कि आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। इसमें जो आंसर जो क्लोज पहुंचते हैं वो है फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, तो इसके हिसाब से डी आंसर जो है इसका करेक्ट होना चाहिए सर। जी एक्चुअली इस क्वेश्चन में बच्चे जो मिस्टेक करेंगे वो ये है कि वो केयर नहीं कर पाएंगे कि जहां यहां लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, तो बच्चे ये सोच लेंगे कि कहीं ये तो नहीं कहा जा रहा है कि सवाना जैसे एरिया में फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए। ये कह रहा है कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए क्या नहीं, क्या ऐसा किया जाए कि फॉरेस्ट डेवलप हो ही नहीं, यहाँ चेक करने की बात की गई है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर टर्माइट वगैरह रहेंगे तो वो नहीं होने देंगे। आप फायर, फायर कोई आग नहीं लगाएगा जंगल में, वो फिर सारा कुछ बर्बाद कर देगा, तो सेकेंड ऑप्शन को आउट किया जा सकता था, और इस तरीके से ए और सी आउट हो जाते हैं। रही बात बी और डी की, तो ऑप्शन फोर अपने आप में आउट हो जाता है, सीजनल रेनफॉल किसी के बस में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम नहीं है रेनफॉल करवाना, तो आप क्लियरली आते हैं डी ऑप्शन पे जो 1-5 है। जी बिल्कुल, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। अब सेकंड कहता है द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ये बात करता है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट तो थोड़ा सा अलग है, ग्राउंड वाटर काफी हैवी है, तो ये बात सेकंड जो है वो उसकी आती है करेक्ट, क्या कहते हैं जी? इसमें ये फैक्ट बेस्ड है और इसमें आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपको याद हो कि रिवर और लेक मिलाकर के केवल 1% बनाता है, 1% वाटर से भी कम है रिवर और लेक का, जबकि ग्राउंड वाटर 30% है। हाउएवर जो कैप्स हैं, आइस कैप्स हैं और ग्लेशियर हैं, उनका 68% से ज्यादा है, तो केवल दूसरा ऑप्शन सही है, फर्स्ट गलत है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, 13। ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री इज अ लेग्युमिनस एवरग्रीन ट्री। सेकंड बात करता है तमारिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टमारिन इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फोर्थ कहता है इंडिया एक्सपोर्ट tamarind and seed of moringa, and fifth कहता है seeds of moringa and tamarind can be used in the production of biofuels. अब इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो first answer, first question and third and I think four is correct. क्या कहते हैं सर इसके हिसाब से? ये सीधा सीधा आर्टिकल लिया गया है सर, एक मैगजीन आती है डाउन टू अर्थ, बहुत सारे लोगों को पता होगा, सीधा आर्टिकल वहां से लिया गया है। जो फर्स्ट है वो ऑब्वियस ही बात है कि अफ्रीका का वो इंडिजेनस है, बट ये इंडिया में काफी लॉन्ग टाइम से जो टेमेरिन सेकेंड ऑप्शन है, काफी लॉन्ग टाइम से इंडिया में किए जाने के कारण इंडिजेनस माना जाता है, और यहाँ लिखा हुआ है कि एंडेमिक मतलब मिलता ही नहीं है, खत्म हो गया है,
तो सेकंड ऑप्शन आपका बाहर हो जाता है, बचता है बी और सी। वंस अगेन आपका फिफ्थ ऑप्शन बाहर हो जाता है, बायोफ्यूल जैसा आपने कुछ नहीं सुना होगा, जेट्रोफा का नाम आपने सुना होगा, जेट्रोफा बायोफ्यूल के जैसा यूज किया जाता है, बट ये मोरिंगा और टेमेरिन नहीं यूज किया जाता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, इसका सी ऑप्शन सही है, 1, 3 और 4। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैव बीन फॉर्मड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। अब यहाँ पर देखेंगे तो फिशर वॉल्केनिक रॉक्स, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है सर, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विद रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन। सेकेंड कहता है बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज एज वेक्टर्स। इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा क्लोज है, फर्स्ट से सेकेंड नहीं, तो फर्स्ट आंसर इज राइट आई थिंक। जी बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया कभी भी इसमें यूज नहीं किया जाएगा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इधर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हो तो। सेकंड कहता है अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। दोनों ही ऑप्शन इसके सही दिखते हैं, तो सी ऑप्शन आई थिंक इज करेक्ट। जी बिल्कुल सही। 17 कहता है बुलगार्ड 1 एंड बुलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। फर्स्ट, कॉलोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। सेकेंड कहता है डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट। थर्ड, ग्रोथ सब्सटेंस प्रोडक्शन ऑफ बायोफर्टिलाइजर। इसमें मेरे ख्याल से बी ऑप्शन इज क्लोज। जी ये काफी हीटेड क्वेश्चन रहा है, आप सबको पता होगा वो यूएसए का एक ग्रुप है मोनसेंटो करके, जिसने कॉटन को पे अपना आधिपत्य जमाया हुआ था। तो ये बॉलगार्ड वो मोनसेंटो का ही टेक्निक है, कॉटन से रिलेटेड टेक्निक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन द प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक डिपेंड मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, एरिया ऑफ द होल इन द लिड। सेकंड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम एंड थर्ड, वेट ऑफ द लिड। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो सेलेक्ट 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 एंड 1, 2, 3। तो मेरे हिसाब से इसमें जो है सेकेंड एंड थर्ड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम एंड वेट ऑफ द इडली। नहीं, कॉमन सेंस क्वेश्चन है सर, 2 एंड 3 सही है इसका, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, कंसीडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया फंगस की फंजाई की बात कर रहे हैं, वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। ऑप्शन 1 एंड 2, 2 एंड 3। मेरे ख्याल से इसमें 1 एंड 2 एंड 3 तीनों ही ऑप्शन सही होने चाहिए। हाँ, ये इसने पूछा है कैन वी कल्चर, तीनों को कल्चर किया जा सकता है। अभी वायरस चाइना ने दिया है, दुनिया उड़ी नहीं है, बैक्टीरिया हम सब प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो फंगई है, आप पावरोटी खाते हैं, ये ब्रेड खाते हैं, वो फंगई की देन है। नेक्स्ट बात करते हैं, एडनो वायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम्स, वेयर इज रेट्रो वायरस हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम्स। सेकेंड कहता है कि कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एन एडनोवायरस वेयर इज एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। इसमें मेरे ख्याल से जो है सेकेंड ऑप्शन ज्यादा क्लोज है, करेक्ट होना चाहिए सर। 100% फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली यूपीएससी की आदत रही है, वो स्टेटमेंट को चेंज कर देती है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा होता है कि एडेनोवायरस डबल स्टैंडर्ड और जो दूसरा रेट्रो है सिंगल स्टैंडर्ड, तो सही होता है। एडेनोवायरस डबल स्टैंडर्ड है, उल्टा लिख दिया स्टेटमेंट, तो फर्स्ट गलत है। सेकेंड कॉमन कोल्ड होता है वो सही है, और रेट्रोवायरस एड्स होता है हम सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द यूएन हैबिट मॉनिटर्स द कमिटमेंट मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। सेकेंड कहता है राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। थर्ड कहता है राइट टू द सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विसेज और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी। मेरे ख्याल से इसमें जो फर्स्ट है, क्योंकि सेकंड जो है राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट, ये रिक्लेम नहीं कर सकते। फर्स्ट एंड सेकंड इट कैन बी करेक्ट। थर्ड इज नहीं, राइट टू द सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई,
ये नहीं बल्कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो क्लोज ज्यादा थर्ड ऑप्शन रहता ऐसे ही बार हो जाता है। यहाँ लिखा है एनी पब्लिक सर्विस, पब्लिक के सर्विस है। की तो हाँ कोई डिमांड, एनी का मतलब ही ये बार हो जाता है अपने आप में। जी। अब बात करते हैं विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ बात कर रहा है जुडिशियल कस्टडी मींस एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मैजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। ये गलत हो जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि अगर जुडिशियल कस्टडी मीन्स न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत में अगर चला कोई व्यक्ति चला जाता है तो पुलिस की सीमा के बाहर हो जाता है, किसी को कस्टडी में जुडिशियल लिया जाता है तो उसे जेल में रहना पड़ता है। एंड सेकेंड कह रहा है कि ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल उसको कोर्ट की अप्रूवल लेना पड़ता है अगर उसे कुछ भी कराना हो तो। सेकेंड ऑप्शन आई थिंक इज क्लोज। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट है विद द रेफरेंस ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस पेरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज और हर राइट। सेकेंड कहता है स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पेरोल। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से कोरोना के पीरियड से ही क्वेश्चन उठाया गया है, जब इस समय जब कोरोना केस बहुत बढ़ा था तो उस समय कैदियों को छोड़े जाने की बात की जा रही थी इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से पेरोल पे। तो इस खास सिचुएशन में जैसे कि ये जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है तो इसमें है अगर हम देखेंगे तो इसे फर्स्ट जो है वो रॉन्ग हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। ठीक, क्योंकि पहला कहता है कि प्रिजनर मेक्स आउट सफिशियंट केस पेरोल कैन नॉट बी डिनाइड सच प्रिजनर्स, मतलब ये कोई इसका राइट नहीं होता, इसको चाहे तो मना किया जा सकता है। तो सेकेंड इज द करेक्ट आई थिंक यस सर, ऑब्वियसली सर। एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर। ये है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये जो है ये ट्राइबल अफेयर से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है तो आई थिंक सर ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से जुड़ा है। नो डाउट। नेक्स्ट हम बात करें अ लेजिस्लेशन विच कंफर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल से इसका आर्टिकल 32 होना चाहिए सर। एक बार तुम चेक इसको, तो मैं उस समय देखा नहीं था भटक से किया। क्या लगता है आपको सर, बंद देखिए तो क्या लगता है तो कर रहे उसको बंद बंद कहाँ बंद है, रिकॉर्ड हो रहा है कहाँ बंद है उसको वो कर। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25th नंबर इसमें क्या कह रहा है, अ लेजिस्लेशन विच कंफर्म ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अगर वो अनगाइडेड अनकंट्रोल करती है तो उसको चेक करने के लिए आर्टिकल 32 जो है आई थिंक इट्स राइट। इसे रिमेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिमेडी ऑफ जो भी बीमारी है कहा जाता है इसे। अब हम बात करते हैं 26 में। ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज अ फेडरल इन कैरेक्टर। फर्स्ट कहता है द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी इज सेफ गार्ड। सेकेंड कहता है द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट यूनिट। थर्ड कहता है द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज। फोर्थ कहता है द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोड ऑफ लॉ। तो यहाँ पर यहाँ बात करें तो अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो फेडरल सिस्टम का फीचर जो होता है द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इज अ सेफ गार्ड। ठीक है, तो ये होना चाहिए आई थिंक सो। बिल्कुल करेक्ट है सर, फैक्चुअल चीज है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का सेफ गार्डिंग यही फेडरल का बहुत बड़ा फीचर है, सबसे बड़ा फीचर है इनफैक्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। स्टेट को कौन सा डिफाइन करता है? पहला बात करता है अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजिसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। सेकेंड बात करता है कि अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डिफाइन टेरिटरी एंड पोजिसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्नमेंट गवर्न देम
maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of subsistence. 27 कहता है which one of the following best define the term state. इसमें चारों ऑप्शन जो पढ़ने के बाद जो बेस्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो ये लग रहा है कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल, जहां पॉलिटिकल स्टेट की बात आता है स्टेट इज अ पॉलिटिकल फीचर होता है उसका, एंड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोजेसिंग डेफिनेट टेरिटरी होगी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड देयर मींस ऑफ सब्सिस्टेंस. इज इट राइट सर? जी सर, शॉर्टकट में इसी को आप कहते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो और डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज लोग हो. अब यहाँ बात करता है विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशियरी कंसीडर द फॉलोइंग, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज एन सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सेकंड कहता है अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट डज. बिल्कुल सही है, दोनों मेरे ख्याल से सही आंसर है. ये आर्टिकल 226 याद होगा आपको, ये कहता है कि कोर्ट एक रिकॉर्ड होगा और रिकॉर्ड जब है तो वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है. हाल ही में केरला हाई कोर्ट ने ऐसा फिर से याद दिलाया था और उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया. विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ कह रहा है कि देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, करेक्ट. एंड उसके बाद हम अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. आई थिंक फॉर ओनली वन इज करेक्ट. बिल्कुल सही है सर. 30 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंस्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी. इसकी हम बात करें तो इसमें जो ऑप्शन इलेक्टेड गवर्नमेंट, आई थिंक दिस इज राइट. बिल्कुल सही है. 31 की बात करें, हाउ इज परमाकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग. अगर इसमें सही सभी को अगर हम देखते हैं तो इसमें फर्स्ट हम बात करता है परमाकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिस बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेंट. ये एक सही नजर आता है. सेकेंड, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैनिटी बट द अकरेंस ऑफ द सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व इन द परमाकल्चर फार्मिंग. ये भी सही नजर आता है. कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट परमाकल्चर फार्मिंग इज नॉट इजली, तो ये एक रॉन्ग लगता है. एंड फोर्थ इज प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन परमाकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरी सो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग. सही ये है, यानी कि 1, 2, और 4 आंसर इज राइट. सर यस सर सही है. विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया. सेकेंड, द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स. द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायो डीजल. इसमें पूछा गया है, इसमें मेरे ख्याल से तीनों ही इसके सही आंसर नजर आते हैं. जी हाँ, मलेशिया इंडोनेशिया सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सबको याद होगा, तो इसी से आप कह सकते थे कि साउथ ईस्ट एशिया ये इंडिजिनस है, इसका नेटिव है. यहाँ पर हम बात करें विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 rivers, 3 of them 4 into 1 of them which join the Indus direct among the following, which one of the such a river that join the Indus direct, that is Satluj. Satluj सबसे largest tributary है, हम सबको पता है, और यही direct join करता है उसे, बाकी सब Satluj को join करते हैं. With reference to India, Didwana, Kuchman, Sargol and Khatu are the names of, यहाँ पर जो है सैलीन लेक को ये कहा जाता है. हम सब खाटू श्याम तो जानते हैं लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि खाटू लेक है एक्चुअली, राजस्थान के ये सारे सेलेन लेक है. जी कंसीडर द फॉलोइंग, अब यहाँ बात कर रहा है कि इसमें से जो है ब्रह्मनी, नगावती और सुबर्णरेखा और वामसदारा, इसमें से कौन सी जो है राइज होती है ईस्टर्न घाट से. तो हम देखेंगे यहाँ पर सेकेंड एंड फोर्थ, आई थिंक सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो यहाँ से आती है. जी ये सारे उड़ीसा में फ्लो होने वाली रिवर्स हैं और काफी क्लोज कंटेस्टेड हैं, जिन्होंने डिटेल में इसे पढ़ा होगा वही कर सकते थे. चलिए अब बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन द इंटरनेशनल विंटर वाटर. यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाए लगता है. इसके बाद सेकेंड बात, इंडिया हैज रिसीव लाइसेंस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर.
ये एक करेक्ट है एंड थर्ड कहता है कि रेयर अर्थ मिनरल आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। ये सही है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ग्लोबल ओशियन कमीशन एक्चुअली एक इनिशिएटिव था जो फरवरी 2013 में स्टार्ट होकर के 2016 में बंद हो गया है। तो फर्स्ट यहीं से गलत हो जाता है, फिर आपके पास ऑड वन आउट में एक ही रह जाता है और वो है बी ऑप्शन। जी बिल्कुल। अब यहाँ बात करते हैं अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, यहाँ पे बात करते हैं, और इसमें से पर्ल मिलेट ये राइट है। तो पर्ल मिलेट जो है दिस इज द राइट आंसर। जी फैक्चुअल क्वेश्चन है सर। 38 कहता है कि इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स के कारण ऐसा होता है जी। इन द टेम्परेट जोन वेस्टलाइज मेक्स द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों ही करेक्ट नजर आते हैं। बिल्कुल अब उसके बाद 39 का, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया प्रिपरेशन ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ हम बात करते हैं अगर फर्स्ट बी द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लेड बाय द क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च जोन, ये सही हो जाता है। फिर द प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS इज कैरिड आउट अंडर कंसल्टेटिव ग्रुप्स ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर इन फ्रांस। थर्ड कहता है द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिकल इन इंडिया वन ऑफ द CCIAR रिसर्च सेंटर। तो इसमें तीनों ही आंसर मेरे ख्याल से सही है, तो तीनों ही करेक्ट होते, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। तो सर हाँ सर बिल्कुल सही है, ये न्यूज आर्टिकल रहा है हमेशा ही। लीफ लिटर डीकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम्स एंड एज अ रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर अपार्ट फ्रॉम ट्रीज, द वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज ऑफ प्लांट फॉर्म दैट रीच अप इन टू द कैनोपी विक्रेसली बाय क्लाइंबिंग द ट्रीज और ग्रोइंग एन एपीफाइट्स रूट ऑन द अपर ब्रांचेस ऑफ ट्री, दिस इज द मोस्ट लाइकली डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये जो है ये कोनीफेरस फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन है। जैसे ही आ जाता है कि सरफेस इज ऑफ एन ऑलमोस्ट बेयर, कुछ है ही नहीं सरफेस पर, तो कोनीफेरस होना है। बिल्कुल। अब बात करते हैं 41 क्वेश्चन की, इसलिए कहता है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेटेड, किसका है, द राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन या DPSP का वायलेशन है, द राइट टू फ्रीडम का वायलेशन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, इसमें सीधे DPSP का वायलेशन ये नजर आता है। यहाँ वेलफेयर की बात DPSP ही करता है वैसे, मेनली कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर एज सच कुछ नहीं है, DPSP है। जी बिल्कुल। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, इसमें बात की राइट टू प्रॉपर्टी की पोजीशन क्या है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारे फंडामेंटल राइट में तो रहा नहीं, आपको मालूम है, उसे निकाल करके अभी उसको लीगल राइट बना दिया गया है और जो हटा दिया गया है 100A 300A में है अभी वो शामिल 300A। एक्चुअली ये ना तो फंडामेंटल है और ना ही लीगल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आज भी बहुत सारे बच्चे इसमें मार खाएंगे, उन्हें ये लगेगा कि ये फंडामेंटल नहीं है बट लीगल है। एक्चुअली ये लीगल भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। लीगल का मतलब होता है कि स्टेट का अपना रूल्स है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मिला है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। डी इसका सही ऑप्शन है, नाइदर फंडामेंटल नॉर लीगल। अब यहाँ बात की गई है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950, इसको हम सभी जानते हैं वैसे तो, बहुत वैसा है रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। जी सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बी है इसका सही ऑप्शन, और आपको याद होगा बाकी के जो सॉवरिन सोशलिस्ट और सेकुलर, ये सोशलिस्ट और सेकुलर 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज राइट आंसर। अब यहाँ बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस यहाँ बात करते हैं तो यहाँ है अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, सेकेंड अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय नॉमिनल पावर्स। तो यहाँ जो है फोर्थ ज्यादा क्लोज पढ़ने के बाद लगता है अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक्चुअली कंजिक्यूटिव क्वेश्चन है। पिछले साल भी सेम क्वेश्चन UPSC ने पूछा था, ऑप्शन अलग था बट ऑप्शन कहीं ना कहीं इसी के अराउंड था कि गवर्नमेंट लिमिटेड गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का। अब बात करते हैं 45th विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हल बी हो एंड हुई पर्टेन टू, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ट्राइबल लैंग्वेज है जो उड़ीसा से बिलोंग करता है, उड़ीसा अपने स्टेट है, वहां से ये सारे लैंग्वेज बिलोंग करते हैं, ट्राइबल लैंग्वेज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड, इसमें भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड आर टाइटल अंडर इज आर्टिकल 18(1) एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पद्म अवार्ड व्हिच वर इंस्टीट्यूट इन ईयर 1954 सस्पेंडेड ओनली वन, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन पर्टिकुलर, इसमें नॉट करेक्ट की बात की जा रही है, सो 1 2 3 ऑल आर नॉट करेक्ट, तो आंसर डी इज करेक्ट, राइट।
47 बात करता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड द अर्बन डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज अ 223 सिटी ऑफ द वर्ल्ड. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, हैदराबाद वाज सिलेक्टेड फॉर द रिकॉग्नाइज्ड फॉर ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट. यहाँ पर हम बात करें तो इसमें से डी ऑप्शन जो है वो ज्यादा क्लोज दिखाई देता है. इसमें फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. जी हाँ, 47 में FAO उसका सही है, UNCDF की जगह दूसरा स्टेटमेंट सही है. 48 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ लेवरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड विच वॉज इंस्टीट्यूट इन द ईयर 2000. अमेरिकन जो है गोल्फर टाइगर वुड जो है वो फर्स्ट विनर ऑफ इंडिया थे. दिस इज राइट. एंड इसमें जो सेकेंड है, द अवार्ड वॉज रिसीव मोस्टली फॉर्मूला वन, ये रॉन्ग दिखता है. एंड थर्ड इज रॉजर फेडरर रिसीव दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. सो वन एंड थ्री फॉर्मूला वन की जगह टेनिस प्लेयर ने 11 बार जीता है, फॉर्मूला वन ने केवल 4 बार जीता है. इस पर जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू 32 समर ओलंपिक. इसमें अगर वॉज द ऑफिशियल मोटो फॉर द ओलंपिक इज अ न्यू वर्ल्ड. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग सफरिंग स्केटबोर्डिंग एंड कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडिंग ऑन द ओलंपिक. व्हिच आर द स्टेटमेंट आज करेक्ट. थर्ड की अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें सिर्फ सेकंड ही करेक्ट नजर आता है. सबको पता है यूनाइटेड वाई इमोशन मोटो था, ना कि न्यू वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं. इसमें हम देखेंगे द फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे ओन एंड द न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट ओन मोर मैचेस देन इंग्लैंड. इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट नजर आते हैं. तो सर बिल्कुल सही है सर. अब हम बात करते हैं 51 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की. 51 कहता है, द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. And second कहता है, the certain provisor in the Constitution of India give the central government the right to issue direction to the RBI in public interest. Third कहता है, the government of RBI draws his power from the RBI Act. अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें the central government ही उसको appoint करती है. This is right. And certain provisor in Constitution of India give the central government the right to issue direction to RBI in public. सही बात है. And third and all are correct. इसमें नजर आते हैं. सेक्शन 7(3) जो है आरबीआई एक्ट का, वो आरबीआई गवर्नर को पावर देता है. विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब यहाँ पे कैजुअल वर्कर की बात की गई थी. अब कैजुअल वर्कर का ये जो है एक केस है, आई थिंक ये जो है पब्लिक सेक्टर जो है पवन हंस लिमिटेड के अगेंस्ट केस था, जिसमें जो है डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उसी लिए क्वेश्चन को उठाया गया है. इसमें सभी कैजुअल वर्कर जो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज में एंटाइटल कर दिए गए. ये डायरेक्शन था सुप्रीम कोर्ट का. सब कैजुअल वर्कर इंटाइटल्ड रेगुलर वर्कर आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट ये उनको मिलेगा. एंड थर्ड, गवर्नमेंट कैन बी अनोटिफाई स्पेसिफाई दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री शैल पे विजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक. ये नहीं हो सकता. तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये क्लोज सर, ये करेक्ट होना चाहिए. बिल्कुल, आपने रिसर्च करके किया हुआ है, इसमें तो गलत की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर. And 53 जो है, which among the following step is the most likely to be taken at the time of an economic recession? अगर इकोनॉमिक रिसेशन का दौर हो तो इसमें से क्या सिचुएशन होनी चाहिए, तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए. बात करें, कट इन टैक्स रेट्स अकॉम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट या इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक. आई थिंक सी होना चाहिए, इंक्रीज इन टैक्स रेट अकॉम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट. क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सही है सर. फिर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ. अगर ऐसा होता है तो क्या है कि प्राइस और सब्सिट्यूट डेफिनेटली बढ़ेगा, कंप्लीमेंट की भी इंक्रीमेंट होगी उसके प्राइस की. थर्ड बात करें तो गुड्स इंफीरियर गुड्स जो है वो भी होगा, लेकिन प्राइस फॉल नहीं होगा. तो 1, 2, 3 जो है ये काफी क्लोज है, ये सही होना चाहिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जी. 55 कहता है, विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट कह रहा है, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड. नहीं, इसको अभी आरबीआई के अंडर में ले लिया गया है. They can issue equity shares and preference shares, सही है, and they were brought under the purview of Banking Regulation Act 1949. ये भी सही है, यानी 2 and 3 are correct. तो सर फिर बात कर रहा है, Indian government bond yield are influenced by which of the following? Action of the United States Federal Reserve, action of the Reserve Bank of India, inflation of the short-term interest rate.
इसमें कह रहा है कि सबसे कौन सा कोड सही होना चाहिए, तीनों ही सही नजर आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बात कर रहे हैं कि कंसीडर फॉलोइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसेप्ट एंड नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूड इन द फॉरेन, अच्छा एफडीआई में इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें वन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा एंड थर्ड, फोर्थ नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट सर। यस सर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इज इट नेसेसरली इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस। इसमें अगर हम देखेंगे तो सिर्फ थर्ड जो है ट्रेड बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, सो थर्ड इज द करेक्ट। यहाँ नेसेसरली जब ऐड हो जाता है तो चीजें चेंज हो गई है ड्रास्टिकली, केवल थर्ड ऑप्शन से। 59 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कॉज ऑफ द वरी। यहाँ वरी की बात की जा रही है, तो इसमें अगर हम देखेंगे इन चारों को पढ़ने के बाद तो ये जो लॉस ऑफ रिवेन्यू टू द स्टेट एंड एक्सचेकर जो है ये करेक्ट नजर आता है टैक्स इवेशन से, तो ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इफेक्ट। अब इंप्लीमेशन में इफेक्ट की बात करें तो इसमें जो है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट बोरोइंग फ्रॉम, अगर हम इसमें देखते हैं तो डी जो है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट, ये सबसे बेकार रीजन होता है जब इन्फ्लेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा ये क्रिएट करता है। बिल्कुल, क्रिएट अगर न्यू मनी किया जाएगा तो और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। 61 के बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट की बात करें, इसमें लेमन ग्रास को यूज किया जाता है। कॉमन सेंस क्वेश्चन है सर। बिल्कुल। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कोपेपॉड फिर साइनोबैक्टीरिया डायटम्स एंड फॉरेमिफेरा। अब इसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं विच वन ऑफ द अबव आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द फूड चेन ऑफ ओशियन, तो इसमें सेकेंड एंड थर्ड जो है वो क्रिएट करते हैं। या बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्चुअली डायटम को ही एल्गे कहते हैं, और एल्गे और साइनोबैक्टीरिया आप सबको पता है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं फूड चेन। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स। अब इन एनिमल्स में बात करी जा रही है कि हैगोंग जो है, फिर मार्मोट है, फिर पैंगलिन जो है, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रीडेटर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रोल अप एंड प्रोटेक्ट इट्स देयर वल्नरेबल पार्ट। अगर इसमें हम देखेंगे तो वन एंड थ्री जो है ये क्लोज है, आप ये ऑड वन आउट भी कर सकते थे। और ये जो नए स्पीसीज की बात कही है हेडहॉग की, एक्चुअली ये द हिंदू का फरवरी 2021 का एक बड़ा आर्टिकल आया था जिसमें केरला के लोग इस हेडहॉग को काफी ईयर से पेट बनाए हुए थे, 6-7 साल से पाल रहे थे। ये हेडहॉग और पेंगोलिन दोनों अपने आप को बॉल बना लेता है, आपने देखा होगा पेंगोलिन को, तो ऑड वन आउट से भी आप कर सकते थे, केवल डी है जो एक और तीन कर रहा है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट वाज फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशन Climate Summit in 2014. It endorses a global timeline to end of the loss of forest. It is the legally binding international declaration. It is the endorsed by the government, big companies, and indigenous communities. India was one of the signatory at inception. अगर हम इसमें बात करते हैं तो 1, 2, and I think 4 is correct. So option A, sorry, 1, 2, and 4. आई थिंक ऑप्शन जी हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। इसमें एक टर्म से किया जा सकता था, ये नॉन लीगली है तो फिर सिग्नेटरी की बात ही नहीं आती है, अगर बाइंडिंग नहीं है तो कौन सिग्नेचर इस पे कर रहा है। सो 1, 2, और 4 सही है केवल। मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडेजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम इसमें बात करते हैं तो फर्स्ट जो है ब्रेक्स ऑफ द मोटर व्हीकल्स, फिर हम बात करते हैं सेकेंड इंजन ऑफ द मोटर व्हीकल्स, एंड उसके बाद हम इसमें से अगर देखते हैं तो शायद फोर्थ जो है पावर प्लांट, एंड दिस 1, 2, 4 जो है दिस इज करेक्ट, 1, 2, 4, सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नो डाउट सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैग्नेटाइट आयरन का एक कंपोनेंट है ये, तो कहीं भी माइक्रोवेव से तो नहीं मिलेगा हमें आयरन पार्ट, और ना ही हमें टेलीफोन के लाइन वायर्स में से नहीं मिलने हैं, उसमें आयरन नहीं होता। फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर, इसमें जो है ऑयस्टर करेक्ट आंसर।
इन द केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो केमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल. अगर हम इसे बात करें तो फास्फोरस साइकिल. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डिट्रिटिवोरस. इसमें हम बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अर्थवर्म, जेलीफिश, मिलिपीड्स एंड सी हॉर्स एंड वुड लाइस की बात करते हैं. तो इसमें 1, 3 इट मींस अर्थवर्म जो है एंड मिलिपीड्स जो है एंड वुड लाइस जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सबको पता है जेलीफिश किसका टाइप नहीं है और सी हॉर्सेस ये दोनों नहीं होते नेटिव डाइवर्स. तो केवल 1, 3, 5 सही है, नो डाउट. नेक्स्ट है द कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्ट बाय यूएनईपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर. अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो इसमें डी इज द असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल द वर्ड इज इन द टाइम इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म दैट इज नीडेरियंस फंजाई एंड प्रोटोजोआ. अगर हम इनमें बात करें तो 2 और 3 यानी फंजाई एंड प्रोटोजोआ जो है वो करते हैं सिम्बायोसिस, मतलब दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं. जो फर्स्ट है सिंडेरियंस, ये एक्चुअली प्री कैप्चरिंग करता है, ये शेयर होता है अपनी स्पीसीज में, तो ये तो सिम्बायोटिक में रहेगा नहीं. द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विद विच ऑफ द फॉलोइंग. अगर हम इसे बात करें तो इसमें हम देखें तो इसमें इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल दैट इज द मनी मल्टीप्लायर. जी हाँ, बाकी फीस का फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है सर 1/रिजर्व रेशियो. तो रिजर्व रेशियो अगर बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा. तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो गायब हो जाता है. रही बात डी की, पॉपुलेशन इंक्रीज का मतलब नहीं है कि बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा नंबर में. सो सी सही ऑप्शन है, लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग हैबिट में आएंगे तो मनी मल्टीप्लाई होता जाएगा. विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसमें हम अगर देखते हैं जो है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, फिस्कल स्टिमुलस, इन्फ्लेशन इंडेक्स, वेज हायर, परचेज पावर एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट. तो अगर हम इसमें देखते हैं तो फर्स्ट सेकेंड यानी एक्सप्लेनेशनरी फिजिकल एंड फोर्थ इज अ हायर परचेजिंग पावर. तो 1, 2, 4 इज द करेक्ट आंसर. जी हाँ, थोड़ा सा हेड मगिंग क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना था, बट फिफ्थ तो ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है 1, 2, 4. जी बिल्कुल. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की. विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये अभी कर दिया गया है ऐसा कि आप डायरेक्ट जो है आप डीमैट अकाउंट से परचेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. सेकेंड कहता है द निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट. द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज ज्वाइंटली प्रमोटर By Reserve Bank of India. नहीं, ये jointly जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और साथ में कैनरा और HDFC और एक बैंक का jointly वो है. तो दिस इज नॉट करेक्ट. सो 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर. बी इज करेक्ट. ओके सर. नेक्स्ट है 74. विच रेफरेंस टू द वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अगर वाटर क्रेडिट के लिए हम जाते हैं तो इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटाइजेशन सेक्टर के लिए ये किया गया है, उनसे उन लोगों के लिए जिन पर वाटर की रीच के लिए उन्हें नहीं हो पाती बहुत मुश्किल से. तो एंड सेकंड कहते हैं इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च बाय अंडर एजेंसी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहीं नहीं दिखता. लेकिन थर्ड जो है इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज. तो 1 और 3 दिस इज वेरी क्लोज. सो 1 और 3 इज करेक्ट. उनको बिना सब्सिडी के भी उनको हेल्प पहुँचाई जा सके, वाटर उन तक पहुँचाई जा सके. दिस इज द करेक्ट. 75 कहता है इन द इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यूजुअली रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर जो हम देखेंगे फर्स्ट कहता है लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज. सेकंड कहता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस. एंड थर्ड कहता है लेंडिंग द गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट. तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 और 3 जो है वो ज्यादा क्लोज नजर आते हैं. तो सी इज द करेक्ट आंसर. नो डाउट सर. कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि कोई भी इंडस्ट्री सहारा डूब गया लेकिन वो डायरेक्ट आरबीआई से पैसा नहीं ले सकता था, सहारा वाजे कंपनी. फिर बात करता है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस कंसिस्ट ऑफ टूल्स अवेलेबल टू प्रमोटिंग द एंड अडॉप्शन. यहाँ पर जो है R2 कोड दिया जाता है बेसिकली उन एनवायरमेंटली जो फ्रेंडली जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकल इंडस्ट्रीज के लिए ये कोड होता है, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो आंसर ए इज द करेक्ट. ये काफी चर्चा में रहा, ये करंट अफेयर का पार्ट है. 77 नेक्स्ट कहता है व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉम्बर स्मेल्टिंग
प्लांट, ये कहता है दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट. द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल इनटू एनवायरनमेंट. दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट. तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में जाते हैं तो सारे ही ऑप्शन हमें सही नजर आते हैं. 1, 2 and 3 इसका द करेक्ट आंसर. सो डी इज द करेक्ट आंसर. जी हाँ, कॉमन स्पेल्टिंग प्लांट के लिए, कॉपर के लिए सारे ऑप्शन सही. विद रेफरेंस टू फरेंस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ भी हम देखेंगे तो इट इज द प्रोड्यूस ऑफ ऑयल रिफाइनरीज सम इंडस्ट्रीज यूज टू जनरेट पावर. इट इज यूज कॉज सल्फर एमिशन इनटू एनवायरनमेंट. तो सभी आंसर इसमें सही नजर आते हैं. तो बी इज द करेक्ट आंसर. ये फर्नेस ऑयल को ही हम फ्यूल ऑयल भी कहते हैं, तो आपको फ्यूल ऑयल भी दिख जाएगा कहीं फर्नेस की जगह. ब्लू कार्बन आप सबने सुना है. ब्लू कार्बन जो होता है फर्स्ट इज करेक्ट. कार्बन कैप्चर है बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम के लिए. ए इज द करेक्ट आंसर. स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर. ब्लू का मतलब ओशियन, सिंपल सा मीनिंग है. 18 में कहा गया है कि इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सर्फेस विदाउट सॉइल. तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें है बात की कि फर्न, लाइकेन जो है, मॉस है एंड मशरूम्स है. तो अगर हम इसमें देखेंगे कि लाइकेन और मॉस जो है इस, ये करेक्ट नजर आते हैं. जी हाँ सर, सॉइल में वो सारे सर्वाइव, विदाउट सॉइल वो सर्वाइव करेंगे जिनको सॉइल से न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए. तो मशरूम अब आर्टिफिशियली कर सकते हैं. यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि नेचर पूछा गया था, इन द नेचर. आर्टिफिशियली आप मशरूम बिना सॉइल का कर सकते हैं, बट उसने नेचर पूछा है तो केवल 2 और 3 सही है. अब बात करते हैं विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया. भावभूति, हस्तिमला एंड केशमेश्वर वर फेमस. ये जो है ये फेमस है प्ले राइट्स के लिए. हाँ, इन सब ने बुक लिखा हुआ है अपने टाइम पे. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं. फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करें. 82 द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1990 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन द एज एज ऑफ 21. तो ये इसमें पूछा गया है कि स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गिव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर. दिस इज आल्सो द इनकरेक्ट. So, both are incorrect, neither one and number two. हाँ सर, इसमें फर्स्ट वाले में जो 1919 में जो एक्ट आया है उसमें थोड़ा सा प्रोविजन था. वो जिस लेडी के पास भी पैसा था, एजुकेशन था, उनको वोटिंग राइट दिया गया था. सबको नहीं दिया गया था. सबको दिया गया 1950 में आर्टिकल नंबर 326 के तहत. तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. Okay, बात करते हैं विद रेफरेंस टू द 8th August 1942 इन इंडियन हिस्ट्री. Which one of the following statement is correct? अगर हम इसमें सारे एक ऊपर गौर फरमाएं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जो है द क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय एआईसी. बिल्कुल सर, बच्चों की हिस्ट्री के बुक से उठाया गया क्वेश्चन है. अब फिर है नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशियंट इंडिया रिलीजियस लिरिक इन इंग्लिश. इसमें फेमस मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे गांधी जी हैं. इन्होंने उपनिषद वगैरह से श्लोक वगैरह लेकर के उसे ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में. फिर है विद रेफरेंस टू अ मेडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ साइज. सारे असेंडिंग पढ़ेंगे तो आपको सी जो है वो करेक्ट निकलेगा. सुबह, सरकार एंड पार्लियामेंट. याद होगा आपको अकबर के टाइम पे 12 सुबह होकर हुआ करते थे. सुबह को सरकार में बांटा गया और सरकार को परगना में. औरंगजेब के टाइम पे नंबर ऑफ सुबह और भी बढ़ गए थे और यही वजह का माना जाता है मुगल पतन का. जी बिल्कुल. अब है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नो एज अ बैथुनी फीमेल स्कूल. तो ये हम बात अगर देखें तो ये एनी बेसेंट ने किया था. जी, वन एंड ओनली एनी बेसेंट. जी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरुबख्श सिंह ढिल्लन जो है आर रिमेम्बर्ड एज. तो इनको अगर हम देखेंगे तो ये ऑफिसर थे इंडियन नेशनल आर्मी. INA का जो मूवमेंट हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, और जिसको नेहरू साहब, जिन्ना साहब ने बचाया था, ये वो INA के मेंबर थे सर. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 की. विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. इसमें फर्स्ट अगर बात करें तो निजामत ऑफ आर्कॉट एमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट. सेकंड बात करें ये उससे निकला है, दिस इज द करेक्ट. द मैसूर किंगडम एमर्ज आउट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, दिस इज आल्सो द करेक्ट. 1 and 2. थर्ड इज रोहिलखंड किंगडम, उससे नहीं है, तो 1 and 2 द करेक्ट है. फैक्चुअल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं चाहिए इसमें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगर हम इसमें चारों पे जाते हैं तो इसमें देखते हैं कि अमरावती जो स्तूप है वो जो गोदावरी रिवर के आस है, दिस इज 4 आंसर इज करेक्ट.
फैक्चुअल क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी अगर मिक्स कर दें हिस्ट्री के साथ, तो अमरावती और ये गोदावरी दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो 21 फरवरी इज डिक्लेयर टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाई यूनिसेफ। ये बिल्कुल सही है कि उसको मदर, इंटरनेशनल मदर डे 21 फरवरी को माना जाता है, लेकिन ये यूनिसेफ नहीं बल्कि यूनेस्को का था, तो यूनेस्को थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसने। सेकंड कहता है द डिमांड दैट बैंक जो है बंगला जो हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। रेज किया गया था उसमें स्टेट लैंग्वेज के लिए, नेशनल लैंग्वेज के लिए। ये सही है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जी, इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते, यूनेस्को कल्चर के लिए जाना जाता है, और इसलिए आपसे कहा जाता है कि स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस भी देखा करें। ये रिसेंटली पिछले महीने में एक स्टेट पीसीएस ने यही क्वेश्चन सेम पूछा था। फिर है 91, कहता है विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर द मोरेना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर इसे हम बात करें तो इसमें फर्स्ट जो है वो सर्कुलर टेम्पल है, बिल्कुल सही बात है, और जो है कच्छप घाट जो है डायनेस्टी उससे रिलेटेड है। और फिर हम बात करेंगे तो ये ओनली नहीं, ये सिर्फ एक नहीं है, एंड वाज मीन ये फोर्थ आंसर इज क्लोज कि इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज द पॉपुलर, जो हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो है डिजाइन उसी से लिया गया है कह सकते हैं ऐसा। वन एंड फोर इज द करेक्ट आंसर, शॉर्ट आंसर सी इज करेक्ट। कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंट का जो नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो एक रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया कि ये इनडायरेक्टली पहले 64 योगिनी टेम्पल से लिया गया। 92 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन इज वेल नोन फॉर द एलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वॉयर्स। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो धौलावीरा जो है उसमें आता है, और अभी धौलावीरा को भी अभी गुजरात गवर्नमेंट के थ्रू भी काफी डेवलप किया जा रहा है, वो समय भी था में। जी, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा है और क्वेश्चन बना है। वैसे भी आईबीसी का बहुत फेमस साइट है धौलावीरा। 93 की बात करें इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये 90 जो है 25 के आसपास, 1625 के आसपास की बात करता है, तो इसमें हम देखेंगे भरूच एंड चेकोल एंड तचनापल्ली। तो इसमें वन एंड टू शायद क्लोज ज्यादा नजर आता है सर। बिल्कुल सर, वरौद जो गुजरात में है, सूरत याद होगा 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री बनाई थी, और चिकाकोली जो एपी में पड़ता है, आंध्रा के आसपास पड़ता है, ये यहाँ भी 1630 से पहले बनाया गया था, और ये फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा है, यानी 1625 तक की बात कर रहा है। जहाँ तक रही बात त्रिचनोपल्ली की, तो वो 1633 के बाद पहुँचते हैं साउथ इंडिया में, जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु के रेंज में पड़ता है। तो केवल बी वन और टू सही है इसका। नेक्स्ट की बात करें फ्रॉम द डिक्लाइनिंग ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 17th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर होल्डिंग पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया। अगर हम इसमें देखते हैं तो फर्स्ट जो है दैट इज द करेक्ट, एंड थर्ड इज ऑल्सो द करेक्ट, एंड फोर्थ इज करेक्ट, एंड सिक्स। सो 1, 3, 4, 6 इज करेक्ट। आंसर बी इज द करेक्ट। इस क्वेश्चन में एक्चुअली सर बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि गुप्ता के डिक्लाइन के बाद गुप्ता कहाँ से आ गया। एक्चुअली गुप्ता दो दो डायनेस्टी है, मगध का गुप्ता एक अलग गुप्ता था, और नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है तो मगध किंगडम में ये गुप्ता थे। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, और जैसे ही फर्स्ट सही है तो सी और डी ऑप्शन बाहर हो जाता है। आप 4 और 6 को आउट नहीं कर सकते, भूल के भी नहीं कर सकते 4 और 6 को आउट, तो आपका बी ऑप्शन सही जाता है। सर ने बिल्कुल सही कहा। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोर्टुगीज राइटर नूनीज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। अगर हम देखते हैं उसमें तो हमको लगभग रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग एंड शूट थिंग जो है लगभग सभी मिल जाते हैं। तो आंसर डी आई थिंक क्लोज एंड करेक्ट। बिल्कुल सर, विजयनगर को जो भी स्टूडेंट पढ़ता है तो वो डिटेल में ही पढ़ना चाहिए, और आपको वहाँ पे नूनिज का मिलेगा लिखा हुआ। विजयनगर एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जिसने फर्स्ट टाइम वुमेन वुमेन एम्प्लॉयमेंट दिया था, महिलाओं को एम्प्लॉय किया था। और द हिंदू का आर्टिकल रहा है ये इसी साल फेब्रवरी का, एक पूरा पेज विजयनगर को दिया गया था, उसमें ये मेंशन था कि वहाँ की महिलाएं ये तमाम चीजें करती। विद रेफरेंस टू मंदन पाली वो आंध्र प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर इसमें देखेंगे सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद तो सी जो है काफी क्लोज एंड करेक्ट है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो ट्रांसलेट द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश। और रही बात 96 सर, ना तो ये न्यूज में था और ना ही कुछ ऐसा था, इसको टफेस्ट माना जाएगा। अब सपने में तो बच्चों को नहीं आएगा कि मदना पेली चलो पढ़ देते हैं, बट सी ऑप्शन 200% सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वहां पे अपना ये किया था, एंथम बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अब करते हैं 97 क्वेश्चन की बात, इसमें मिलाने के लिए पूछा गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर इसमें मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग में अगर देखेंगे
फर्स्ट इज द रॉन्ग एंड सेकेंड जो है जो टेराकोटा से है वो चंद्र के गर्ग है एंड गणेश्वर जो है कॉपर फैक्ट है, तो सो 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, सो आंसर डी इज करेक्ट। 100% फैक्चुअल क्वेश्चन है सर। 98 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग, इट वाज ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंडस इन परसूट ऑफ द फिगेटिव खवारिज प्रिंस। सेकंड कहता है इट वाज ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड द क्रॉस इन इंडिया। सो इसमें अगर तीनों को हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट जो है खास क्लोज नजर आता है, सो आई थिंक फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, आप सबको पता है वास्को डी गामा 1498 में आया था और देवराय टू काफी पहले रह चुके हैं उसके। और सेकंड की बात रही तुगलक के टाइम पे, ये तैमूर का कुछ लेना देना नहीं था, इल्तुतमिश ने चंगेज खान से बचाया था, इसलिए उसको रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के गुस्से से बचाने के लिए इल्तुतमिश को याद किया। जी बिल्कुल। नेक्स्ट कहता है कि अब यहाँ पर बात करी जाती है सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जो है जिस ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है ये। और उसके अनुसार सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा नहीं, वो चाइना में उनकी डेथ हुई है, तो ये गलत हो जाता है। एंड द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर जो सेलिब्रेट इन गोवा ईच ईयर, ये सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सो आंसर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अभी हम मिताक्षरा रूल की बात करी गई, मिताक्षरा लॉ की बात की गई है। मिताक्षरा और दायभाग दो अलग अलग है रूल्स। मिताक्षरा में जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो इन मिताक्षरा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, एंड वेयर इज द दायभाग सिस्टम में क्या होता है उनकी डेथ के बाद ही प्रॉपर्टी, ये तो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के बच्चों को बेटे के लिए खासतौर से ये राइट देने की बात की, कुछ जीवन के पहले ही राइट मिलता है और जीवन के बाद दायभाग में, तो दायभाग में, तो ये इस तरह से इसमें सेकेंड आंसर जो है वो काफी क्लोज है। हालांकि तीन भी काफी क्लोज दिखता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन जो है नहीं दिखता उसके हिसाब, तो हमें आप सेकेंड को ही लेकर के चलेंगे। जी हाँ, एक्चुअली ये 100 का सेकेंड ऑप्शन केवल सही है, डी केवल सही है। अब आप इस बार के हिसाब से सर ये सारे क्वेश्चन तो हमने कर लिए, आपको क्या लगता है इस बार मेरिट का क्या हाल होना चाहिए, कहाँ तक पहुँचना चाहिए, मेरिट क्या है? ये पेपर सर अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर है, अब तक ऐसा पेपर नहीं पूछा गया है। डायनेमिक काफी चेंजेस है, काफी चेंजेस है, पैटर्न चेंजिंग है। आप ये देख लीजिए कि तीन क्वेश्चन स्पोर्ट्स न्यूज के डाल दिए गए हैं जो कि पहली बार यूपीएससी की हिस्ट्री में हुआ है। तो शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिनके भी 94-95 बन रहे हैं वो आराम से मेंस की तैयारी करें, जनरल में वो मेंस लिखेंगे, ये मेरा अपना विश्वास है। मैं जब अपना मेंस लिखा करता था तो मैं अपना एनालिसिस खुद किया करता था और जब भी किया तो मैंने मेंस लिखा है। 95 जिनके बन रहे हैं श्योर एंड शॉर्ट वो मेंस लिखेंगे, 94-95 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है एनी हो। जी बिल्कुल, डायनेमिक पेपर है, काफी चेंज है, लोगों को समझ में आया होगा कि यूपीएससी ने एक नया स्टेप लिया है, थोड़ा बहुत चेंज किया है, जो जिसने वहाँ दिमाग लगाया होगा, रीजनिंग अप्लाई किया होगा, पेपर सॉल्व कर पाया। बिल्कुल सही है, 94-95 काफी सिक्योर दिखाई देता है। जो दूसरे कुछ बोलते रहे कि 100 के ऊपर किया, ऐसा जब वो घर पे पेपर मिलाएंगे तो अपने जमीन पर आ जाएंगे। आई थिंक 95 सेफ हमारी तरफ से अनाउंसमेंट है, तो जिन्होंने 95 कर लिया है वो प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं मेंस की, आज खुशी मना लो, कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।